गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन क्लास के कड़े में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या अंतर है पहले इस बात को समझ लें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वह टेंस होता है जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है जैसे कि राम पत्र लिख रहा है इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि राम पत्र लिख रहा है कॉन्टिन्यू वो काम कर रहा है लिखना जारी है लेकिन जब हम इसमें यह जोड़ देंगे कि राम दो घंटे से पत्र लिख रहा है यानी कि इसमें समय जब हम जोड़ देंगे कार्य प्रारंभ होने का एक एग्जैक्ट टाइम दे देंगे तो यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें कार्य जारी रहता है और कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है उदाहरण के तौर पर आ, अध्यापक दो घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं अध्यापक पढ़ा तो रहे हैं कार्य जारी है पढ़ाने का काम जो जारी है लेकिन वह दो घंटे से पढ़ा रहे हैं यानी कि पिछले दो घंटे से वो पढ़ाना जारी रखे हुए हैं। तो यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसको हम पहचानेंगे कैसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वाक्य के अंत में रहा है रही है और रहे हैं इत्यादि आता है और कार्य प्रारंभ होने का इसमें समय दिया होता है सहायक क्रिया की बात करें तो इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है जैसे गो में आईएनजी लगाते हैं तो गोइंग हो जाता है सिंग में आईएनजी लगाते हैं तो सिंग सिंगिंग हो जाता है तो वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसमें आईएनजी जुड़ता है इसमें सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है has, have के साथ बीन बी बीन जो है वो जैसा कि जानते हैं बी का थर्ड फॉर्म है तो चूंकि है तो उसमें बी का ऑलरेडी लग गया बीन तो सहायक क्रिया के रूप में हम हैज बीन हैव बीन लगाते हैं अफॉर्मेटिव सेंटेंस सबसे महत्वपूर्ण बात अ, मैं अभी मिस कर दिया मैंने बताना कि इसमें जो समय दिया रहता है कि दो घंटे से चार दिन से सोमवार से मंगलवार से या दो साल से या उन्नीस से 2011 से ये जो समय होता है इसका इसके पहले जब ट्रांसलेशन हम मनाते हैं तो समय के पहले हम लगाते हैं सिंस और फार अब सिंस और फार कहाँ लगता है ये थोड़ा समझने वाली बात है सिंस एस आई एन सी ई पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगता है पॉइंट ऑफ टाइम क्या है पॉइंट ऑफ टाइम वह समय है जो एग्जैक्ट एक पॉइंट होता है जहां से काम शुरू होता है उदाहरण के तौर पर सोमवार से हम अगर बात करते हैं कि राहुल सोमवार से विद्यालय जा रहा है तो सोमवार से ये एक्जैक्ट पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है कि सोमवार से या फिर जनवरी से या सुबह से या दोपहर से या उन्नीस से ये सारे जो हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम यानि कि हम जब हमें पता चलता है कि काम इतने देर से हो रहा है जैसे कि दो घंटे से, से हो रहा है दो दिन से हो रहा है दो साल से हो रहा है तो उसके लिए हम लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम के उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाएंगे फॉर जैसे शिकारी आधे घंटे से जंगल में शिकार कर रहा है हमारा परिवार इस मकान में दस साल से रह रहा है आधे घंटे से यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम है कि आधे घंटे से एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि कितने टाइम से कब से ये एक ड्यूरेशन है समय का आधे घंटे से हम 10 साल से इस मकान में रह रहे हैं तो 10 साल जो है ये ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाएंगे और पॉइंट के लिए हम लगाएंगे since. तो अब आगे चलते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं तो फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट उसके साथ लगाते हैं बाद लगाते हैं या yeah, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब लिखेंगे उसमें आई जोड़ेंगे उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड उसके बाद since या far, उसके बाद टाइम लगाएंगे उदाहरण के तौर पर जो मैंने आपको मैटर दिया है उसमें है राम राम दो साल से शहर में रह रहा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा सबसे पहले सब्जेक्ट राम लिखेंगे राम उसके बाद हैज है, है, और बीन राम हैज बीन क्रिया लगाएंगे लिविंग अदर वर्ड हो जाएगा इन दिस सिटी, और ऑब्जेक्ट टाइम हो जाएगा दो साल से टू इयर्स तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा राम हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर टू इयर्स राधा दो घंटे से स्वेटर बुन रही है इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा सबसे पहले हम लगाएंगे राधा उसके बाद हैज स्वेटर बुन रही है नाइटिंग स्वेटर राधा has been, नाइटिंग स्वेटर दो घंटे से फॉर टू आवर्स तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनेगा नेगेटिव सेंटेंस बड़ा ही सिंपल है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सिर्फ हैज हैव की बात क्या लगा देते हैं नॉट लगा देते हैं यानी कि हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन अगर ट्रांसलेशन है कि राम इस शहर में दो साल से नहीं रह रहा है तो राम हैज नॉट बीन लिविंग इन सिटी फॉर टू ईयर्स राधा दो घंटे से स्वेटर नहीं बुन रही है इसका हो जाएगा राधा हैज नॉट बीन नाइटिंग स्वेटर फॉर टू ईयोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे जैसा कि हम मैं आपको बार बार बताता हूं कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है तो इसका जो नियम हो जाएगा हम सबसे पहले क्या लगाएंगे हैज हैव लगाएंगे पूरा हैज लगाएंगे हैज और है लगाएंगे सबसे पहले लिखेंगे हैज या है उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बीन उसके बाद वर्ब में आईएनजी उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड फिर या फॉर उसके बाद टाइम उदाहरण के तौर पर क्या राम इस शहर में दस साल से रह रहा है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज राम बीन लिविंग इन सिटी फॉर टेन ईयर्स दूसरा उदाहरण क्या राधा दो घंटे से स्वेटर बुन रही है तो हैज राधा बीन नाइटिंग स्वेटर फॉर फॉर टू आवर्स तो ये ट्रांसलेशन बनाने के रूल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के आशा है आप इसको समझे होंगे मैटर में जो होमवर्क भी दिया हुआ है आप उसको करेंगे और उसको व्हाट्सएप पे हमें सेंड करेंगे Thank you. Have a good day.